दोस्तों जरा कल्पना कीजिए उस खिलाड़ी के दिल पर क्या बीती होगी जिसने अपना पहला टेस्ट मैच 2010 में खेला था, लेकिन अगला टेस्ट मैच खेलने के लिए उसे पूरे 12 साल का इंतजार करना पड़ा। इस 12 साल के इंतजार में उसने कई ऐसे खिलाड़ियों को देखा जो इंडियन टीम में आए और चले गए। उसने मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे नए तेज गेंदबाजों को अपनी आंखों के सामने इंडियन टीम में जगह बनाते देखा। सफेद जर्सी में उन्हें रेड बॉल से विकेट चटकाते देखा। जिस जगह का वो हकदार था उसने उस जगह पर कई युवा तेज गेंदबाजों को अपने पांव जमाते देखा। इतना ही नहीं, 2010 में जब पहली बार उसने इंडिया टीम के लिए टेस्ट मैच खेला था तब उस समय टीम में सचिन तेंदुलकर और इंडिया के वर्तमान कोच राहुल द्रविड़ भी खेल रहे थे। दोस्तों अगर गहराई से सोचा जाए तो ये बहुत गहरी बात है। कभी जिस प्लेयर के साथ डेब्यू टेस्ट मैच खेला था आज वही प्लेयर इंडियन टीम का कोच है और फिर एक बार फिर से इस खिलाड़ी को उसी प्लेयर की निगरानी में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। बात कर रहे हैं दिग्गज तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट की। किस्मत का मारा ये दिग्गज तेज गेंदबाज घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन करता रहा और टीम इंडिया में आने के सपने देखता रहा, लेकिन इस सपने को पूरा होने में पूरे 12 साल लगे। अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सौराष्ट्र की रणजी टीम के कप्तान जयदेव उनादकट की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। साल 2010 में जयदेव उनादकट ने जब अपना पहला टेस्ट मैच खेला था तब वो बिल्कुल युवा थे और अगले एक दशक तक भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन महज एक टेस्ट मैच खेलने के बाद जयदेव उनादकट को टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन जयदेव उनादकट के घरेलू क्रिकेट के आंकड़े बहुत लाजवाब थे, इसलिए उन्हें इसी साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया। लगातार 3 साल तक केकेआर का हिस्सा होने के बाद साल 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जयदेव उनादकट में दिलचस्पी दिखाई और उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। इसी साल जयदेव उनादकट को भारतीय वनडे टीम में डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने 24 जुलाई 2013 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला वनडे डेब्यू किया, लेकिन उन्हें भारत की तरफ से T20 क्रिकेट खेलने के लिए 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अपना पहला T20 डेब्यू भी किया। जयदेव उनादकट का इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात है, राजकोट में सौराष्ट्र और दिल्ली के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच हो रहा था। दिल्ली की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए ध्रुव शोरे और आयुष बदोनी आए थे। बल्लेबाजों को भी पिच को समझने का मौका भी नहीं मिल पाया था कि देखते ही देखते सौराष्ट्र के गेंदबाज ने तीसरी गेंद पर शोरे को क्लीन बोल्ड कर दिया। साथ ही इस गेंदबाज ने दिल्ली के पहले ही ओवर में हैट्रिक ले ली। ये गेंदबाज अपनी इस गेंद से इस तरह कहर बरपा रहा था कि 2 ओवर में ही दिल्ली के 5 विकेट हो गए। मैच की पहली पारी में ही उस गेंदबाज ने कुल 8 विकेट अपने नाम किए और एक कारनामा करने वाला और कोई नहीं बल्कि जयदेव उनादकट ही थे। जयदेव की घातक गेंदबाजी के चलते दिल्ली की टीम पहली पारी में 35 ओवर में सिर्फ 133 रन बना पाई और पहले ओवर में हैट्रिक लेकर उनादकट ने इतिहास रच दिया और रणजी इतिहास में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी। जयदेव का 39 रन पर 8 विकेट प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले उनका प्रदर्शन 41 रन पर 7 विकेट था। आइए बात करते हैं जयदेव उनादकट के क्रिकेट करियर के बारे में। जयदेव घरेलू स्तर में सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं, इसके अलावा उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में कई टीमों के लिए भी खेला है। 2013 में जब उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा था तो सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ियों में से एक थे। मई 2013 में उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ मैच खेलते हुए 25 रन पर 5 विकेट के अपने सर्वश्रेष्ठ T20 करियर का गेंदबाजी आंकड़ा हासिल किया था, जिसमें उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का भी खिताब मिला था। जुलाई 2018 में उन्हें 2018-19 दलित ट्रॉफी के लिए उनका नाम इंडिया ब्लू के लिए टीम में शामिल किया गया। इसके साथ ही अक्टूबर 2018 में 2018-19 देवधर ट्रॉफी के लिए भी इंडिया बी टीम में उनका नाम शामिल किया गया। जनवरी 2019 में सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी में 200 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने थे और अगस्त 2019 में उनका नाम 2019-20 दलित ट्रॉफी के लिए इंडिया रेड टीम की टीम में नामित किया गया था। इसके अलावा 2019-20 देवधर ट्रॉफी के लिए भारत ए के लिए भी उनका नाम नामित किया गया। 2019-20 रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, उन्होंने 10 मैचों में 67 विकेट लिए थे। अगर जयदेव उनादकट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की बात करें तो 2010 में उन्होंने इंग्लैंड में भारत की अंडर 19 टीम के लिए खेलने के लिए वेस्ट इंडीज अंडर 19 टीम के खिलाफ अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत में 13 विकेट लिए थे। इसके साथ ही जयदेव को श्रीलंका में भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए नेट गेंदबाज के रूप में चुना गया था। दिसंबर 2010 में सेंचुरियन के पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए उनका अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण हुआ था। इसके बाद 22 दिसंबर 2022 को मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ हुए दूसरे टेस्ट में उन्हें कुलदीप यादव के स्थान पर चुना गया था। 12 साल बाद जयदेव ने टेस्ट टीम में वापसी की थी। उन्होंने जून 2016 में हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ
खिलाफ हुए T20 अंतरराष्ट्रीय में अपना डेब्यू किया। जयदेव उनादकट ने भारत के खिलाफ अब तक 2 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए, वहीं 7 वनडे मैच में उन्होंने 8 विकेट चटकाए हैं। जयदेव उनादकट ने भारत की तरफ से सर्वाधिक 10 T20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 14 विकेट अपने नाम किए। डोमेस्टिक क्रिकेट में जयदेव के काफी अच्छे प्रदर्शन की वजह से उन्हें 2010 इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम द्वारा चुना गया था। 2011-12 के IPL में KKR के लिए खेलने के बाद उन्हें 2013 के IPL में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर द्वारा खरीदा गया, जहां पर उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 25 रन पर 5 विकेट के अपने सर्वश्रेष्ठ आंकड़े हासिल किए थे। इसके बाद 2014 के IPL में उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2.8 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2016 के IPL में एक बार फिर से वो कोलकाता के लिए खेले और 2017 में उन्हें राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स द्वारा चुना गया था और इस IPL में उन्होंने आखिरी ओवर में हैदराबाद के खिलाफ हैट्रिक ली थी। 2018 में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। साल 2019 में इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 8.4 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद 2020 में फिर से राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 3 करोड़ में खरीदा था। 2021 में फिर से एक बार ये राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े थे। 2022 के IPL में इन्हें मुंबई इंडियंस ने 1.30 करोड़ रुपए में खरीदा और अब 2023 के IPL में लखनऊ सुपर जायंट की टीम ने इन्हें 50 लाख रुपए के बेस प्राइस में खरीद लिया है। अगर हम जयदेव उनादकट की निजी जिंदगी की बात करें तो जयदेव का पूरा नाम जयदेव दीपक भाई उनादकट है। इनका जन्म 18 अक्टूबर 1991 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम दीपक उनादकट है। जयदेव उनादकट ने 2 फरवरी 2021 को अपनी मंगेतर रिनी कांटारिया से शादी की थी, जो कि पेशे से एक वकील है। दोस्तों, जयदेव उनादकट ने जिस तरह घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है उसे देखकर तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अपने करियर के आखिरी पड़ाव में अगले 3-4 साल तक इंडिया टीम के लिए खेल सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जयदेव उनादकट दोबारा से इंडियन जर्सी में दिखाई देंगे या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जिस तरह की वीडियो बनाते हैं उस तरह की ये वीडियो तो बिल्कुल नहीं होगी, फिर भी उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।